हेलो कबाड़ी वाले, एक कबाड़ है। Standing in the cold, cold rain. I don't even feel the pain. चैनल कैसे आप सभी लोग, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वी आर व्लॉगिंग टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू दिल्ली और हमारे साथ बने रहिए देखने के लिए। पहले अभी 6 बज रहे इसलिए हमारी शक्लें ऐसी लग रही है आपको, और अभी भी जस्ट हम सोकर उठे ही हैं। 6 भी नहीं बजे, अभी 6 बजे के बाद वाला ही टाइम, मतलब 6:30 होने वाले, ऑलमोस्ट 6:16 हो चुके हैं। सो अभी हम सबसे लेट उठे, देखते हैं रेडी होते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी मन किया मेरा दोस्त है, मन नहीं कर रहा वैसे यहाँ से, बट फिर भी चलो मिलते हैं। बाय। तो गाइस किलो भर हिम्मत करने के बाद अब लोग बाहर उठे हैं। ओह माय गॉड कितनी ठंड है। तो गाइस वी आर रेडी, मतलब हम जा रहे हैं। हम घर पे इसलिए शूट नहीं किया बिकॉज ये हमारे घर का परमानेंट नियम है कि हम कहीं जाए तो स्नेहा का मूड जरूर खराब होता है जब इसकी कंघी हो रही होती है, चाहे वो स्कूल जा रही हो चाहे कहीं घूमने जा रही हो। बस सुबह सुबह का व्यू इतना सुंदर है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल ही नीचे आ गए, बट ये फॉग है, बट ये बहुत ज्यादा प्रीटी है। एज यू कैन सी इतना प्रीटी है। आई डोंट नो मेरी आवाज भी आ रही होगी नहीं आएगी तो वॉइस ओवर पर। ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कुंजनी जी का फेवरेट गाइस। आपको से टोनिका करके जितने भी गाने लग रहे हैं ना गाड़ी में, इसने बस आ रहा है टिप्स भी याद है ना मुंह पे, वैसे बस वही चुस्ती है पूरा दिन, वैसे पूरे लिरिक्स याद है। अभी यार हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में रुके हैं ब्रंच करने, नॉट लंच नॉट ब्रेकफास्ट इज ब्रंच। तो या ये है हमारा हम रेस्टोरेंट एरोप्लेन शेप का, इसका नाम है रनवे वन। रिफ्लेक्शन इफ यू नेवर लुक इन द मिरर डाउन इन द डेज अंटिल यू आर गॉन वेटिंग फॉर अस टू कैरी ऑन ओ आई रन। किस्मत खराब थी, टिकट नहीं मिली क्योंकि गाइस हम पायलट बन चुके हैं। एरोप्लेन में आके चली गाइस उधर, आपको हम कंट्रोल रूम में, तो फिर कैमरा मैन उठे मुझे अपनी सीट पे बैठने दीजिए, आज मैं प्लेन उड़ाऊंगी। बाय गाइस हम गए प्लेन पे। हेलो कबाड़ी वाले, एक कबाड़ है। Look at this. जो विंडो है वहाँ से जितने भी कॉटेज है इस होटल के वो सब दिखता है। एक है बर्थडे की डेकोरेशन है, साथ में एनिवर्सरी की, और काफी क्यूट है, इन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया है, सब दिखता है, काफी अच्छा होटल है। यहाँ पे विंग्स है जिसपे ये फोटो खिंचा रहे हैं, अंदर है रेस्टोरेंट। तो गाइस फाइनली आफ्टर कितने सारे घंटों के बाद हम दिल्ली पहुँच गए हैं, और दिल्ली की शुरुआत आपको पता ही है, कूड़े के पहाड़। देखिए ये है वो कूड़े का पहाड़ जिसके ऊपर पता नहीं क्या उठ रहा है, ये उत्तर तो वो पता नहीं क्या सब कुछ तो है। तो गाइस फाइनली वी आर हियर एट मासी मास प्लेस। तो ये है मासी माँ, मम्मी, पापा, हमारे को तो आप लोग जानते हैं, और ये हमारी थोड़ी बहुत सेवा हो रही है। अभी जस्ट हम पहुंचे हैं, हमने सिर्फ अपना सामान छोड़ा है, और हाँ अब हम कल जब घूमने जाएंगे इसके बाद आपसे तब मिलेंगे, और
आज का ब्लॉग को यही हम खत्म करते ना, हैं खत्म नहीं, अभी और भी दिखाएंगे आपको। अभी मौसा जी और हर्षित आएंगे तो उनसे मिला देंगे, बाकी ये चाहत है इसके भी मिला देते हैं। अच्छा जी है चाहत, नहीं हमारा से दिखा देख रही थी मैं, अच्छा लगेगा। तो अभी जब हर्षित और मौसा जी आएंगे तो उनसे भी मिलाएंगे आपको, तब तक के लिए बाय। सो गाइज यहाँ पे हम आए लोहड़ी सेलिब्रेट करने, यहाँ पे लोहड़ी मना रहे हैं, देखो गाइज हम यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आंटी ने, और ये हर्षित भी, आप इनसे मिले भी नहीं हो गाइज, ये देखिए आंटी ने, गाइस गाइस आंटी ने कम प्रसाद दिया, अब उठाए भी नहीं जा रहे। तो अभी हम घर पे जाकर लंच करेंगे, लंच नहीं करेंगे डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर दिल्ली में लंच होते हैं इस टाइम। सो गाइस आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लव यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे के सीरीज के लिए, दिल्ली सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। किसी भी संगीत का देवी सुनी ना हरिता।